Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the online lecture series of digital image processing. As we were discussing the assignment in the previous lecture, and we covered till the histogram equalization, so I will continue from where till I left. So ये हमने इससे पहले देख चुके हैं कि हमारे पास हिस्टोग्राम ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था यहाँ तक. ये हमारा एक इमेज था जिसका हमने हिस्टोग्राम कैलकुलेट किया, और इसकी हिस्टोग्राम वॉज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और हिस्टोग्राम कैलकुलेट करने के बाद हमने इसके बाद इस हिस्टोग्राम के बाद हमने इसको इक्वलाइज किया विद द वैल्यू ऑफ विद जी ऑफ एन. और इक्वलाइज करने के बाद अगली चीज़ ये कि हमने इसके पिक्सल्स को राउंड ऑफ करके परफॉर्म किया. एंड आफ्टर राउंडिंग अप हमने पिक्सल्स की प्रोबेबिलिटीज को दोबारा से कैलकुलेट कर लिया. सो फार वी हैव looked at till this point. All right. For the next version, what we will do, हमने फिर इसके बाद क्या किया कि हम एक्स जीरो, हमने ये हमें पता था कि एक्स जीरो था, एक्स जीरो की हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, तो इक्वलाइज किया, तो इक्वलाइज करने के बाद इसकी वैल्यू जीरो थी. सो हमने इसकी नई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली विच वॉज जीरो. एक्स वन इस ये दोबारा मैप हुआ वन के ऊपर, और हमारे पास टोटल पिक्सल थे 25, सो दिस इज 0.04. एक्स टू जो था अब ये जाके मैप हो गया एक्स फाइव पे, और एक्स टू के बेसिकली जो इनपुट पिक्सल थे वो हमारे पास 7 थे. सो हमने इसको कैलकुलेट किया 7 divided by 25 0.023. सिमिलरली एक्स थ्री इसके 4 पिक्सल से जब इससे पास किया, सो दिस वॉज मैप टू एक्स सेवन. सो एक्स सेवन की प्रॉबिलिटी हमने एक्स थ्री से कैलकुलेट की विच इज 4 by 25 in this case. So after 4 by 25 we calculated the value of x4. x4 jaake map hua 9 pe, so maine x9 ki probability calculate ki, so on and so forth. और हमारे पास इसकी सारों की प्रोबेबिलिटीज आ गई. अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, इन सबको चेक किया, इन सब की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1 की इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी, 1 की इक्विवेलेंट है. और फिर हमने ने रीअरेंज करके लिख लिया एक्स जीरो जो था उसकी वैल्यू कोई भी नहीं थी, एक्स जीरो वॉज अगेन मैप टू जीरो. एक्स वन वॉज एक्स वन की प्रॉबिलिटी हमारे पास 0.04 थी, एक्स टू की वैल्यू जीरो थी, सो ऑन एंड सो फोर. सो हमने बारी बारी सबकी प्रॉबिलिटीज देखी. अच्छा जी, अब हम इसका नया मैप जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू किधर प्लॉट हो रही है. सो एक्स जीरो मैप हो रही है जीरो पे, एक्स वन जाके मैप हुआ है वन के ऊपर, एक्स टू जाके मैप हुआ है फाइव पे, सिमिलरली एक्स थ्री जाके मैप हुआ है 7 पे, एक्स फोर मैप हो रहा है आपके पास 9 पे, एक्स फाइव मैप हो रहा है हमारे पास 10 पे, एक्स सिक्स मैप हो रहा है हमारे पास 11 पे. सिमिलरली एक्स सेवन दिस इज आल्सो मैप टू 11, एक्स एट दिस इज मैप्ड टू 12, एक्स नाइन दिस इज मैप्ड टू वैल्यू 13, और एक्स 10 हमारे पास जाके मैप हो रहा है 13 पे, एक्स 11 भी हमारे पास जाके मैप हो रहा है 13 पे, एक्स 12 हमारे पास मैप हो रहा है 13 पे. सो वी गॉट 1, 2, 3, 4 वैल्यूज ऑन 13 व्हिच इज एक्स 9, एक्स 10, एक्स 11 एंड एक्स 12. और एक्स 13 जाके मैप हो रहा है 14 पे, और एक्स 14 मैप हो रहा है आपके पास
So let me see. So since x14 is also equivalent to 0, तो हमारे पास x14 की भी जो वैल्यू है वो भी हमारे पास सेम ही आ रही है, विच इज अगेन इट वुड बी सेम एज द 14 वैल्यू, राइट? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, सो हमने इसको 3.18 को किया, सो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 14. और x15 भी जाके x15 इज ऑल्सो मैप टू द 15th वैल्यू, सो दिस इज मैप टू 14 एंड दिस इज ऑल्सो मैप टू 15. सो फॉर दिस इज गुड टिल दिस पॉइंट. अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये एक और मैप दिया था जिसमें हमारे पास x0 की वैल्यू यहाँ पे x0 इज ऑल्सो इज इक्वलेंट टू 0, x1 is equivalent to 0, x2 is also equivalent to 0, x3 is equivalent to 0.15, x4 is equivalent to 0.2, x5 is equal to 0.25, x6 is equal to 0.2 and x7 is equal to 0.15. इन सब का सम 1 के इक्विवेलेंट है. अब हम इसको इक्वलाइज करते हैं, राइट? सो इक्वलाइजेशन का हमें ऑलरेडी ऑपरेशन पता है, g of n हम कंप्यूट कर रहे होते हैं. So g of x of 0 compute कर लेते हैं. So which is equivalent to, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे peak value क्या है 7, लेकिन हमारा जो desired value है हम किसको किसके ऊपर map करना चाह रहे हैं, हम basically ये जो 15 वाला ये वाला map है ना, इसको इसके ऊपर इसकी mapping यहाँ पे perform कराना चाह रहे हैं. So I will multiply with this 15 multiply with x 0 which will going to give me 0. Similarly, g of x of 1, which is equivalent to same, ye bhi 0 ke equivalent aa jayega, x2 bhi, g of x of 2, this is also equivalent to 0. This will be equivalent to x3's case mein, ye hamare paas aa jayega 15 multiply with 0.15, and I will going to have 15 multiplied by 0.15, so this is 2.25. So x4, this will going to be equivalent to 15 multiplied with 0.2 plus 2.25, so I will going to have this value 2.25 plus 15 multiply with 0.2, so which is 5.25. so this is now x5 is equivalent to 5.25 plus 15 multiply with 0.25 ho gaya, right? So this is 15 into 0.25, so 5.25 multiply with 5.25 plus 15 multiply with 0.25, so I'll going to have value 9 in this case. X6 is equal to 8 minute. Okay, so X6 will now be equivalent to 9 plus 15 multiply with 0.2, which will going to give us 9 plus 15 multiply with 0.2, so I'm going to have value 12, and then we have x 7 ki equalized value jo hai. So this will again this is g of x of 7, remember this thing, sorry, g ki value calculate ho rahi hai, yani iska humne equalized version calculate kar rahe hain. So this is 12 plus 15 multiply with 0.15, so
So this is 12 plus 15 multiplied with 0.15. So we have 14.25. Let me just recheck this 0, 0, 0. So third value have 0.15 multiplied with 0.15 multiplied with 15. So I have 2.25. So 0.15. Okay. So next I have 2.25 plus 15 multiplied with 0.2. So I have 5.25 plus 15 multiplied with 0.25. So I have 9. Okay, this is good. Then I have got 9 plus 15 multiplied with 0.2. So I have 12 plus 12 plus 15 multiplied with 0.15. This is 14.25. So let me see kiski koi probabilities to hamari missing nahi hai. Mujhe sab ek dhai ek dhai se verify kar le because I'm having little doubt. 0.15 plus 0.2 plus 0.25 plus 0.2 plus 0.15. So I have got 0.95. Some value is missing in this graph. Let me see. So pehli value hai 0.15 pe aa rahi hai, this is good. Ugly value aa rahi hai 0.2 pe, ye bhi theek hai. Usse ugly wali 0.25 ye bhi theek hai, ye bhi 0.2 pe aa rahi hai aur usse ugly wali 0.15 pe. So there is one value which is missing in this graph because in sab ka sum jo hai na 1 ke equivalent hona chahiye. 15 ek hum verify karna hai. 15 plus 20 plus 25 plus 20 plus 15. Yes, there is one value which is missing in this graph. So that's why this is equivalent to 14.25. So koi cheez isme se miss out hogi, but anyways I'm going to do the solution to it. Okay, acha ji, after humne isko calculate kar liya, yahan tak hamara operation similarly pehle ki tarah ka operation tha. Ab humne isko round kar lete hain. So this rounded value of round of g of x 0 will be equivalent to 0, 0 ke equivalent aa jayega. Similarly aapke paas x ye bhi 0 ke equivalent aa jayega aur this will also be equivalent to value 0 which is x2 in this case. अच्छा जी, जो हमारे पास x3 की वैल्यू है, दिस इज इक्वलेंट टू x3 की हमारे पास वैल्यू थी 2.25, ये इक्वलेंट हो जाएगा 2 के. और अगली वैल्यू हमारे पास है जी राउंड ऑफ x ऑफ 4, ये हमारे पास है 5.25, दिस इज इक्वलेंट टू 5. और जो नेक्स्ट वैल्यू है ये जी हमारे पास x5 की, this will be equivalent to 9. And 6 wali value jo hai hamare paas ye equivalent hai 12 ke, aur 14 aa gaya. So this 14.257, this is equivalent to 14 equivalent. So now we have got these rounded values 0, 0, 0, 2, 5, 9, 12 and 14. Right, ये हमने already ये वाला graph हमने देख लिया था. So अब हम क्या करते हैं कि जो हमने पहले value को round किया हुआ है, इसकी value को हम लोग change over कर लेते हैं, यानी इसके साथ superimpose कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमारे पास ये value आ रही है, so that we will know कि हमारी कौन सी वैल्यू किस जगह पे मैप हो रही है. ओके, सो हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया कि ये इनकी वैल्यू जो राउंडेड वैल्यूज हैं ये हमारे पास आगे
एक्स जीरो की वैल्यूज आ गई। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज को उसके सामने दोबारा लिख लेते हैं। ये हमारी इक्वलाइज्ड वर्जन है, ये इनपुट था, इनपुट इमेज था, और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास जिसका हमारा इक्वलाइज्ड मैपिंग मैप था, जिसके ऊपर हमने मैप करनी थी ना, ये वो है। सो मैं नीचे वाली वैल्यूज को उठा के ऊपर ले आता हूँ, जहां जहां पे नीचे वाली वैल्यूज को हमने राउंड का ऑपरेशन करने के बाद इसको हमने परफॉर्म किया। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्स जीरो है, सो इसको छोटा कर लेते हैं, मैं उसको बस को इनलार्ज कर लूँगा। ओके सो इस मैप में एक्स जीरो की वैल्यू जो थी वो जीरो के इक्विवेलेंट थी, और यहाँ पे जी एक्स वन की वैल्यू ये भी जीरो थी, एक्स टू की वैल्यू ये भी मेरे पास क्या थी, ये भी जीरो थ्री, एक्स थ्री की वैल्यू मेरे पास थी टू के इक्विवेलेंट, अगे ये वाली वैल्यू देखिए नीचे से मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, एक्स थ्री की वैल्यू मेरे पास है टू के इक्विवेलेंट, और एक्स फोर की वैल्यू मेरे पास आ रही है लेट मी सी जी, एक्स फोर की वैल्यू है फाइव के इक्विवेलेंट, और एक्स सिक्स की वैल्यू है मेरे पास इस केस में ट्वेल्व के इक्विवेलेंट, और एक्स सेवन मेरे पास आ जाएगी फोर्टीन के इक्विवेलेंट, राइट। सो यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके, हमने ये देख लिया है ये ऑपरेशन। सो अब हम इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैप करते हैं। सो मैं इसको ना इसकी वैल्यूज को कुछ सिर्फ नाम का डिफरेंस देने के लिए ना ये एक्स जीरो से मैं चेंज और कर रहा हूँ, ताकि हमें हम सिर्फ नाम का ना डिफरेंस पता लग जाए। सो ये कैसे किए एक्स जीरो से एक्स सेवन तक इनको वैल्यूज कैसे दिए? ये वाला जो इक्वलाइज जो हिस्टोग्राम था जिसके साथ हमने मैच कराना था, जिसके साथ हमने मैच कराना था ना, इसको हमने सिंपल इक्वलाइज कर लिया दोबारा, ठीक है। अच्छा सही, लेकिन इक्वलाइजेशन में इसकी वैल्यू क्या थी, सेवन थी, सेवन के बजाय मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया जो ऊपर वैल्यू थी, ठीक, ताकि उसका मैप यहाँ तक आ जाए। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर मैंने क्या क्या किया, मैंने सारे लोगों को यहाँ पे इधर मैप कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जो इसका नाम है ना सिंपल वो चेंज कर रहा हूँ, ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए इनपुट टू आउटपुट की रिस्पेक्टिवली। So, जो मेरा इनपुट वेरिएबल है ना, मैं इनको नाम दे देता हूँ एस का, तो दिस इज एस जीरो एस वन, ताकि जो मैंने आप लोगों को क्लास में लेक्चर कराया था ना उसके अकॉर्डिंगली ही ये है, एस जीरो एस वन एस टू, सो एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स एस सेवन एस एट एस नाइन एस टेन एस इलेवन, सो देयर इज नो डिफरेंस, मैं सर इनका ना नामों का वेरिएबल बदल रहा हूँ, एस ट्वेल्व एस थर्टीन एस फोर्टीन एंड एस फिफ्टीन। अच्छा जी, और ये वाला हमने मेरा ख्याल है जो इक्वलाइज वाला वर्जन था ना, इसका हमने क्लास में नाम रखा हुआ था जी रखा हुआ था, तो मैं इसको कह देता हूँ जी, जी जीरो जी वन जी टू जी थ्री जी फोर जी, ओके सो देयर इज नो जी फाइव, कहाँ मैं जी फाइव मिस क्यों कर गया, जी फाइव इज इक्वलेंट टू नाइन, ये मैं किस में मिस कर गया हूँ वैल्यू, अच्छा जी, जो हमारे पास एक्स फाइव है, एक्स फाइव जो है ना इसकी वैल्यू मैं यहाँ सुपर लाना भूल गया था, एक्स फाइव इज इक्वलेंट टू नाइन, ये है जी नाइन के इक्वलेंट, मैं इसका नाम जी सिर्फ कर देता हूँ, जी फाइव इज इक्वलेंट टू नाइन आ जाएगा, जी
सिक्स जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिखी हुई है जी, वो 12 के इक्विवेलेंट है. दिस इज 12, इसका नाम डाल देते हैं Z6, और फिर दिस इज Z7, X7, इसकी वैल्यू यहाँ पे 40. सो फार हमने यहाँ तक ये वाला हम काम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं. सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लुक एट द मैप कि एस की वैल्यू यहाँ पे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है. इफ यू सी दिस, तो एस जीरो की वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे है, एस जीरो की वैल्यू जीरो है, तो जीरो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इन तीनों वैल्यू के ऊपर आ रहा है. सो एस जीरो को हम सिंपली मैप कर देते हैं जी जीरो के ऊपर मैप कर देते हैं. और इसके बाद आगे एस वन की वैल्यू वन है, तो वन यहाँ पे किसी जगह पे लाई नहीं कर रहा, सो हम इसको भी मैप कर देते हैं आपके पास. वी विल अगेन गोइंग टू मैप दिस ऑन जी जीरो, क्योंकि इसको राउंड डाउन वाली साइड पे मैप करते हैं. अच्छा जी, उसके बाद क्या है, वैल्यू हमारे पास 5 है. सो एस टू इज इक्वलेंट टू 5, सो सी के यहाँ पे हमारे पास 5 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, अच्छा जी ये सॉरी ये मेरा टाइपो मिस्टेक हो गया. एस वन को मैं मैप करा रहा हूँ 3 के ऊपर, मैं मैप करा देता हूँ. ये यहाँ पे ये 2 है, इसकी मैं बिकॉज ये 1 था तो मेरे पास इसकी राउंडेड करीब करीब वैल्यू ये वाली आ रही थी 2, तो मैं इसको 2 पे मैप करा रहा हूँ Z3 को. सो दिस इज इक्वलेंट टू 2 वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, Z3 पे आ रही है. अच्छा जी, उसके बाद 5 देखते हैं, तो 5 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है. सो दिस वॉज वैल्यू व्हाट, S2 जो है, S2 इज मैप्ड टू Z4. अच्छा जी, और इसके बाद हमारे पास आ गया S2, आ गया S3 की हमारे पास वैल्यू है 7. तो यहां पे देखें हमारे पास कहीं 7 लाई कर रहा है, इज देयर एनी 7 टू इट, तो 7 की क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी हमारे पास. अगर मैं यहाँ पे 2 डाउन साइड जाऊं तो मेरे पास 5 है, और अप साइड जाऊं तो मेरे पास 9 है. सो आई एम गोइंग टू डू इट एट अ राउंड डाउन साइड. सो S3 विल बी मैप टू Z4, और S4 अब मेरे पास मैप हो जाएगा, आपके पास 9 है, तो 9 यहाँ पे कहाँ आ रहा है, Z5 में आ रहा है. अच्छा जी, उसके बाद है जी S5 की हमारे पास वैल्यू क्या है, 10. तो यहाँ पे देखिए 10 है कहीं, नहीं तो मैं 10 नहीं कहीं पे आ रहा, तो 10 का हाँ जी होगा, 10 जो है ये भी अगेन ये भी Z5 के ऊपर चला जाएगा. और S6 जो है ये इसकी वैल्यू है हमारे पास 11 है, तो 11 यहाँ पे नहीं है, तो इसको Z6 पे मैप कर देते हैं. दिस इज मैप टू Z6. सिमिलरली S7, दिस इज मैप्ड टू, ये इसकी वैल्यू 11 है, तो ये भी Z6 पे मैप होगा, Z6 पे. और देन वी हैव गॉट S8. S8 की क्लोजेस्ट वैल्यू क्या, 12 है. सो यहाँ पे 12 कहाँ पे कर रहा है, ये Z6 में अगर कर रहा है, दिस विल ऑल्सो मैप टू Z6. और फिर आ जाएगा आपके पास S9. सो दिस इज मैप्ड टू व्हाट, इसकी वैल्यू 13 है, तो 13 का क्लोजेस्ट पॉइंट अगेन दिस विल बी इक्वलेंट टू 12, सो दिस इज Z6. और ये आ जाएगा उसके बाद आपके पास S10, दिस इज मैप्ड टू, इसकी वैल्यू क्या, 13. सो इसको जो क्लोजेस्ट वैल्यू है मेरे पास, वो मेरे पास बन रही है, आई एम गोइंग टू गो फॉर, आई कैन आइदर, अच्छा आप ये देखें, मैं इसको 2 जगहों पे मैप कर सकता हूँ, या तो मैं इसको 12 पे मैप कर सकता हूँ, या मैं इसको 14 पे मैप कर सकता हूँ. सो आई एम गोइंग टू मैप दिस टू द वैल्यू 12. दिस विल ऑल्सो बी मैप टू
z6 or s11. This is also equivalent to z6. So s12, this will also be mapped to z6, or s13, ye bhi z6 pe map ho jayega. Okay, so let's see. Yahan tak hamare paas value aa gayi thi. Now see x jo s13 hai, this is 14, ye hamare paas present hai, ye z7 pe map ho jayega. This is mapped on z7, and s14, this is also mapped to z7, or s15, ye bhi hamare paas z7 pe aake map ho jayega. Right. So that was the entire solution to it. And after this, you can calculate the probabilities of all the values. इससे आगे आप simply probabilities calculate कर सकते हैं. हमें already पता है कि S0 के कितने pixels से उसकी हम probability calculate कर देते हैं. So in other words, अब basically just a minute left in my lecture. So if the lecture discontinues, मैं दोबारा से फिर यहीं से continue करूँगा.